नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ग्यारसपुर के थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मठ मंदिरों को पुजारी एवं मस्जिद के मौलवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। SDM संजय जैन ने बताया कि कोरोना के हालातों को देखते हुए धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोलने का फैसला सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार लिया गया है, जिसमें मंदिर या मस्जिद परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गोले बनाए जाएं, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क से दूर रहे। साथ ही ना घंटी बजाई जाएगी, ना ही प्रसाद चढ़ाया जाएगा, ना ही पुजारी द्वारा प्रसाद वितरण किया जाएगा। मंदिर को बार बार सैनिटाइज करना होगा। नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। बैठक रखी गई है थाना परिसर में, तो किस प्रकार की पुजारी यहाँ पर और मस्जिद के मौली किस प्रकार की, उनको जानकारी दी जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि MHA की गाइडलाइन है कि 8 तारीख से हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वगैरह, इनको खुलना है। उसमें गाइडलाइन में मुख्यतः बड़ी बड़ी बातें हैं कि मेन जो चीज़ें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाए रखना है और समय समय पर सैनिटाइज करना है। इसके अलावा जो अन्य धार्मिक पद्धतियों में होता है कि मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, नाम रख देते हैं, तो अभी उस पर रोक है क्योंकि इससे संभावना बनती है कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलेगा तो उससे फैलने की संभावना है। उसमें गाइडलाइन में स्पष्ट है कि इन सब चीज़ों को अभी जो हमारी जो पद्धतियाँ हैं धार्मिक पद्धतियाँ, इनको रोकते हुए हमें धर्म का पालन करना है। तो धार्मिक स्थल खुल रहे हैं लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और MHA की गाइडलाइन का पालन करेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे और अपने धर्म का पालन करेंगे। खबर समय जगत के लिए ग्यारसपुर से प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।